आप चुनाव के लिए तैयारी कर चुके थे, सामने और क्या दिक्कत आई कि जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ? भाई चुनाव के लिए दिक्कत ये कुछ भी नहीं आई थी, हमने फॉर्म भरे इसके लिए, मैं बैकअप में मेरी वाइफ का भी फॉर्म भरा कि मेरा कैसे भी करके लोग फेल करेंगे, मेरे एक एक, एक इंशियल टिक के लिए मेरा फेल किया और बताया कि शपथ नहीं लिया, मेरे अकेले के नहीं 26 लोगों का फेल किया है, 46 जन ने बोले उसमें 26 लोग का, किस तरह 26 लोग का फेल किया? ये ऑफिसर जो दिए पूरा फॉर्म भरने का आपका एक्सेप्ट हो गया बोल के भेज रहा है, उसके बाद इसको कार्ड देके शपथ लेने के, सिर्फ ओरली शपथ नहीं लिया बोल के सबका रिजेक्ट किया, ये तो होता ही नहीं है। जब इनका काम है शपथ दिलाना, कोई भी चीज में भी मंत्री लोग जाते शपथ लेते, शपथ दिला तो कार्ड देते उसमें पढ़ के आदमी शपथ लेता है, इससे पहले भी दो टाइम इलेक्शन लड़ चुके हैं, सबके साथ में इसने यही किया, इसने किसी को बोला ही नहीं शपथ लो, हाँ आपका एक्सेप्ट हो गया बोल के भेज दिया घर दिए, सबको भेज के छोड़ दिया लास्ट दिन में, तो सबके शपथ के चक्कर में सबका रिजेक्ट किया, इसमें कोई भी फॉर्म में किसी के कोई गलती नहीं मिली थी। लेकिन ये क्या लगता है किस वजह से इस तरीके के ये सब चीजें हुई? भाई ये सीधा सीधा इसके ऊपर पहले भी 2016 में करप्शन का इसके ऊपर चार्ज है, ये देखो 2016 में भी इसका करप्शन, ये ऑलरेडी करप्ट ऑफिसर है, इसको हमारे इधर भेजे करप्ट करने के लिए, ये ऑलरेडी पैसा लेके करप्शन केस ने क्या फेल सबका रिजेक्ट किया है। सर नाम क्या है उसका? सर जो आपका ये शिवाजी आपका फॉर्म है, ये किस मतदान क्षेत्र की बात कर रहे हैं आप? कौन अधिकारी का नाम पूरा क्या है विस्तार से बता सकते हैं आप? मामला क्या हुआ है, कौन अधिकारी था, कहाँ का क्षेत्र है ये जो आप चर्चा कर रहे हैं आपका? ये अनुशक्ति नगर 172 अनुशक्ति नगर पे था, इधर पे से 46 लोग ने फॉर्म भरे उसमें 26 लोग का इसने रिजेक्ट किया और बिना मतलब के, उधर पब्लिक लड़ रही है इतना दो घंटे इसमें क्या क्या मन में क्या, हमें आधे घंटे का ब्रेक लेता हूँ बोल के अंदर गया तो किसी के सामने ही नहीं आया, ब्रेक करा तो वापस उधर आना चाहिए ना, आके फेस करना चाहिए ना पब्लिक को, बोलना चाहिए क्यों रिजेक्ट किया, हाँ आप बैठो किसी को कोई चिल्ला रहा तो आधा घंटा आपको टाइम देता हूँ आप वकील को बुलाओ, मैं बोला मेरे को भी आधा घंटा टाइम दो वकील को बुलवाता हूँ तो नहीं बोला आपका रिजेक्ट करता, वाइफ केस में कुछ भी नहीं शपथ नहीं ले उसका रिजेक्ट कर, सबका ऐसे ही किया, ये बोलता मेरा पावर है तुम कोर्ट जाओ, क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है क्योंकि पहले भी आपके वजह से आप फॉर्म न भरे इसके लिए काफी कुछ किया जाता है, काफी कुछ किया जाता है, मेरे को पार्टी की टिकट मिलने नहीं चाहिए इसके लिए काफी कुछ किया जाता है, इसका तो सीधा सीधा नाम एड्रेस पूरा दिया ना पालघर में था 2016 में, मैं आपको लिंक भेजता हूँ चलाओ, इसने 50 लाख की फिर इसके करप्शन के अंदर अरेस्ट हुए ना ये, और इसी ऑफिसर को हमारे इधर दिए जो इधर पे जीतो, मतलब 172 में तो पैसा देके आदमी को दबा नहीं देखते, इधर लोग हैं इतने साल आप लोगों ने मेहनत की लोगों के बीच में जाकर, लोगों की बड़ी आशा थी कि हमारा एक ऐसा कैंडिडेट, आज उन लोगों को क्या तकलीफ हुई, इधर वो लोग कोई भी लोकल नहीं है जो इनके ना लोकल नहीं, आज लोकल हम लोग थे तो आज हमारा एरिया जिसको ये किंग पिंग है चीता कैम, जिसको वोट देगा जिसको ये चाहेगा ना वो एमएलए बनेगा, तो आज मैं लोकल हूँ इधर, इसीलिए हमारे को उड़ाया गया है, सीधा सीधा बात बोलो इसीलिए उड़ाया, ये पैसा लिया नहीं लिया, ये पैसा लिया 100% जो आदमी एक टाइम चोरी किया दोबारा चोरी करेगा ही, तो क्या लगता है इसके पीछे कोई हो सकता है, इसकी कार्रवाई की मांग करेंगे? इसके कार्रवाई की मांग हम लोग उस दिन से कर रहे, तो कान पे नहीं ले रहे आप राइटिंग में, तो मैं राइटिंग में रिटर्न दूंगा, तो हम लोग इसमें आपको इलेक्शन में हमने ऑब्जेक्शन उठा के यहाँ दिल्ली के ऑब्जेक्शन में भी उठा के हाईकोर्ट जाऊंगा मैं इसे लेने के लिए, ये ऑफिसर ही नहीं चाहिए हमको, इतना भेदभाव कौन करता है, ये पहली बार हुआ इसका काम है, ये ऑफिसर को खुद फॉर्म लेके किधर बच गया तो बताना चाहिए कि तुम्हारा ये सही करके लाओ, यहाँ वो तो कुछ नहीं बोला, ये उल्टा हमारे को शपथ दिलाने का, तो शपथ दिलाने इसका काम है, शपथ ही नहीं दिला के बोलता तुम शपथ नहीं ले रिजेक्ट हो, और तुम बोलेंगे तो मैं शपथ दिला। सर काफी कैंडिडेट ये इलेक्शन कमीशन ऑफिसर से जो नाराज है और काफी लोग जो है ऐसा कह रहे हैं कि कोर्ट का रुख करने वाले हैं, सब लोग हम लोग सब लोग मिलकर कोर्ट का रुख ही करने वाले, जितने भी इतने 26 के 26 ऑब्जेक्शन फाइल करके इधर के इलेक्शन कमीशन को कंप्लीट करके दिल्ली भी भेजेंगे और उसके बाद हाईकोर्ट जाएंगे, एक दिन ही बचा है तो क्या, एक दिन मंडे कोई प्रॉब्लम नहीं ना, एक दिन ये जानबूझ के तो ऐसा कह रहा जाता है कि लोग जाने हम लोग को बोले हम तुमको राइटिंग में देंगे क्यों रिजेक्ट, अब राइटिंग में देंगे उसके बाद हम जाएंगे क्या, हम लेंगे नहीं ना, हमको जान ऑब्जेक्शन फाइल करने का, हम इलेक्शन करने के बाद ना हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, कोर्ट क्या बोलता है देखेंगे, अगर समझो अगर मौका नहीं मिलता है तो 5 साल फिर आपको और जनता को भी इंतजार करना, जनता अभी जनता क्या करे, जनता को एक कैंडिडेट नहीं चाहिए, इनके सर पे थोप दिए तो क्या करे, किसको वोट देंगे, अब जनता से बोलो विद्रोह कैसा कराने का करवा सकते, क्योंकि इधर लोकल आदमी चाहिए था, आज चिताकम का डिमांड था कि इधर का लोकल कैंडिडेट कोई भी रहे लोकल रहे, वो सब तो ये उड़ा दिए, सर देखा गया कि जो इनके ही उड़ाया गया जबकि पार्टी के कैंडिडेट है एज इट इज, तो क्या है पार्टी के कितने उड़ाए भाई, विठल गरड़ उड़ा, जो लोग इतने 8-8 7 टाइम लड़ चुके हैं, विठल गरड़ बबलू पांचाल सब उड़ा दिए, ये लोग सब वोट कटिंग हो जाएगा ना, ये नगर सेवक जैसा इलेक्शन हो जाता था, अगर इतने लोग रहते ना तो लीडिंग ज्यादा नहीं चाहिए थी, जो भी चिताकम का एंट्री रहता जीत के आता था, इसके लिए इतने कैंडिडेट उड़ा दिए, कहीं ना कहीं ये साजिश है, साजिश ही है ना भाई, सिंपल क्या अभी और क्या नाम लेके बोलूं, क्या डर सता रहा है, खुद करप्शन में अंदर रहे,
खुद अंदर थे और पहले भी इनके ऊपर है 700-800 करोड़ का है, तो ये लोग तो 2-5 करोड़ देने के लिए किसको ही नहीं कर रहे, और ये ऑफिसर 50 लाख के लिए बिक सकता है तो 5-1 करोड़ के लिए क्या नहीं बिकेगा। तो क्या किसी को डर सता रहा था कि इस तरीके से 26 लोगों के साथ आज जो नाइंसाफी हुई है तो ये गलत है? जो इधर सेटिंग था उसको ही डर सताएगा ना उसको, क्योंकि वो बीजेपी में चले गया, बीजेपी सेना की सपोर्ट ले लिया, इधर मुस्लिम पट्टा है वोट नहीं देंगे उनको पता है, इसके लिए उनको ही सता, वही ये सब काम करेंगे ना, पैसा देके तोड़ने फोड़ने का ये सब करने का, पावर पे पावर उनके पास, पैसा उनके पास, सब वो लोग वही करेंगे ना भाई। अभी लोगों को विकास चाहिए था, ऐसा नेतृत्व चाहिए था भाई, विकास चाहिए था ना, 2 टाइम रह चुका है, 3 टाइम एमएलए रह चुका है, 1 शिवसेना का, 2 एमएलए, अभी जाके रोड का हालत देख लो तुमको, इधर का विकास नजर आया। और मेरे टाइम के फोटो अभी देता हूँ मैं, नगर से 2.5 साल में तुम्हारे को 11 रोड पूरे 150 गली जितना काम कर सकते ना, कचरे के डब्बे के ऊपर कैमरे लगा अपने पैसे से। लेकिन अभी वक्त तो चला गया, वक्त चला गया, अभी उसको क्या करते हो, पब्लिक को समझ में आना चाहिए अभी कैसा इसको करें, उसको तो नहीं मिलेगा, वो जो गलत पे में सब करके दूसरा कोई भी जीत के आएगा वो नहीं जीतेगा। लेकिन क्या कारण था कि आप की टिकट काट के किसी और को उम्मीदवार, टिकट मेरी भी काट के उधर के जितना लोग हो सकता ना करते भाई, देखो अल्लाह की मर्जी, देर है अंधेर नहीं है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिलेगा उनको, मिला ना भुगत तो सभी रहे। राजू जी जनता को क्या अपील करेंगे आप? जनता को अपील करेंगे जो हमारे साथ में चीटिंग करता है उसका मुंह मत देखो, उसको मत दो, 2 टाइम उसको दिए ना चांस, तीसरे टाइम का क्या देंगे, ये हमारा हालत देख लो गाँव का, इधर का पूरा विधानसभा का हालत देख लो, विकास हुआ है बहुत सारा, विकास हुआ तो क्या, मैं बोला विकास जाके देखो ना मेन रोड होल्ड, एक आप इधर एरिया में घूम लो तो विकास दिख जाएगा, कितनी कॉलेज बनी, कितने गार्डन बने, क्या बना आप मेरे को बताओ ना, इनके पेपर पे मैं कितना मैं बताता हूँ आपको, सब पेपरों पे बने, खबरस्तान पेपर पे, इस पे पेपर पे, सब पेपर पे, एक एक गेट 35 लाख 40 लाख का रहता, गेट जाके देखे तो जाली का बना हुआ है। तो कुछ हुआ ही थे आपका ऐसा कहते? मेरा हुआ ही नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूँ, आप जाओ और चक्कर मारो एक एरिया में, मेन रोड पे उतर जाओ, आपके इधर की हालत मालूम पड़ेगा कितना विकास हुआ। फिर भी अगर लोग उनको, और मेरे टाइम नगर सेवक के टाइम पे इतने रोड तुम्हारे को खराब किधर भी नहीं मिल रही है, फिर भी लोग अगर उनको ही चुनके देंगे तो अच्छी बात। देखो भाई मैं क्या बताऊँ, वो अल्लाह की मर्जी, कोई किसको चुनके दे, हमारा काम था ऑब्जेक्शन उठाना, हमारा काम था पब्लिक को बताना, हमने बताया।